प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना माइंडफुलनेस। तो सब तो इसमें एक ससुर है और एक बहू है, तो बहू जी बोलती बहू बोल तो लास्ट हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी ड्रिंकिंग से कम बोला वो है भूमि रिंचा यामिनी जे एम की क्लास रखी। तो हमने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी और इसलिए क्योंकि कलेक्टर मैंने अपने पापा से सुना है, पापा बताते हैं कि अगर कलेक्टर की गाड़ी बीच में आ रही होगी इतना बढ़िया बोला वैसे वैसे। पर एक चीज और अच्छे अच्छे सेल्फी लेके अच्छे अच्छे पोज देके मतलब बहुत मजे करें और उनके यादों को मैं
अगर लोग अपने मतलब के लिए किसी के साथ रहते हैं या उनसे बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना चाहोगे और उनकी सारी मेमोरी अपने फोन में कैप्चर करके रखना चाहोगे ताकि वो आप उन्हें आगे जाके रियलाइज कर सको। और एक चीज आपको ज्यादा इम्प्रूव करनी है कि आप थोड़ा सा और ज्यादा बोल सकते थे, क्योंकि आप उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो आप और भी ज्यादा चीजें ढूंढ सकते थे कि आप उनके साथ उनके बारे में ऐसी क्या बातें हैं जो आप उनके साथ ही अपना टाइम स्पेंड करना चाहते। ये चीज ढूंढ सकते। अगला प्रश्न यह है कि अगर आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होते तब आप क्या करते? अगर मैं दुनिया की सबसे बड़ी अमीर व्यक्ति होती तो मैं जाकर जितनी भी मॉल्स वगैरह क्योंकि मॉल में जाता है महंगा महंगा और ज्यादा अच्छा अच्छा सामान होता है हाई क्वालिटी का जो अमीर अमीर लोग खाते हैं, तो मैं जाकर वहाँ का पूरी मॉल ही खरीद लेती। सामान की तो बात ही अलग है। और इंडिया में जितनी भी जैसे अंबानी होती फिर मैं अंबानी से अगर कंपेयर करती कि देख अब तो छोटा है क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ और सबसे अमीर हूँ। और जाकर जितने भी मतलब आज तक मेरा सपना है कि मैं एरोप्लेन वगैरह में बैठूँ, एरोप्लेन में बैठने की जगह मैं उसे खरीद लेती और जाकर उन सारी चीजों को एंजॉय करती और देखती कि जितने भी मेरे से गरीब लोग हैं फिर उनको कैसा फील होता है। क्योंकि बहुत से अमीर लोग होते हैं वो सोचते हैं कि मैं अपनी लाइफस्टाइल यूज करूं और उसको बिताऊं और ये नहीं सोचते कि गरीब लोगों को क्या फील होता होगा। इसीलिए बस मैं ये आपने बहुत अच्छा बोला, आपके एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे थे और आपके हाव भाव भी बहुत अच्छे थे और आप थोड़ी और आप अपने इम्प्रूवमेंट ये कर सकते थे, आप थोड़ा और बोल सकते थे। मैम का आपने बहुत ज्यादा अच्छा बोला और जिस तरह के हमने बताया कि हम गरीब लोगों की फीलिंग मतलब देखना चाहेंगे कि उन्हें कैसा लगता है, तो ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप थोड़ा और ज्यादा मतलब हर जगह देख सकते हैं। मुझे हर चीज सिखाई दुनिया की, तो अगर सैलरी की बात हो तो मैं पूरी सैलरी
इतना मजा तो कभी नहीं आया, मगर ये बात भी थोड़ी सी बस थोड़ी सी गलती कर दी, ये गलती कर दी कि मतलब थोड़ा हवा एक्सपीरियंस मतलब हवा दिखाना चाहिए था, अगर वो हाव हाव करती तो मतलब क्लास ज्यादा वो होती और क्लास को ज्यादा मजा आता। और जो आंसर्स दे रहे थे और जो फीडबैक दे रहे थे उसे